हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे वी विल टॉक टू यू यू फर्स्ट गणतंत्र दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है ए पंद्रह अगस्त बी 2 अक्टूबर सी 29 नवम्बर डी 26 जनवरी आपका जवाब होगा उत्तर डी छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है ए इस दिन देश आजाद हुआ था बी इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था सी इस दिन संविधान लागू हुआ था डी इस दिन भारत को देश का दर्जा दिया गया था आपका जवाब होगा उत्तर सी इस दिन संविधान लागू हुआ था भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1942, डी भारत सरकार अधिनियम उन्नीस आपका जवाब होगा उत्तर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 किस घटना के कारण भारत ब्रिटिश राज से अलग एक गणतंत्र बन गया ए स्वतंत्रता दिवस बी दांडी मार्च सी भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा डी भारत छोड़ो आंदोलन आपका जवाब होगा उत्तर सी भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा। भारत के संविधान द्वारा किस शासी दस्तावेज को प्रतिस्थापित किया गया था ए साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, बी नेहरू रिपोर्ट 1928, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस डी भारत सरकार अधिनियम उन्नीस आपका जवाब होगा उत्तर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। 26 छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया ए स्वतंत्रता दिवस बी गांधी जयंती सी भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा, दी दांडी मार्च आपका जवाब होगा उत्तर सी भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा। भारत को ब्रिटिश राज से कब आजादी मिली ए 26 जनवरी 1950, बी 2 अक्टूबर 1942, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर उन्नीस आपका जवाब होगा उत्तर सी पंद्रह अगस्त उन्नीस जब भारत स्वतंत्र हुआ तब राज्य का प्रमुख कौन था ए जवाहरलाल नेहरू बी महात्मा गांधी सी जॉर्ज सिक्स डी लॉर्ड माउंटबेटन बेटन आपका जवाब होगा उत्तर सी जॉर्ज सिक्स स्वतंत्रता के बाद भारत किस प्रकार का राजतंत्र बन गया ए पूर्ण राजतंत्र बी संवैधानिक राजतंत्र सी संसदीय राजशाही डी संघीय राजशाही आपका जवाब होगा उत्तर बी संवैधानिक राजतंत्र संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए ए 29 अगस्त उन्नीस बी 26 जनवरी 1950 सी 4 नवंबर उन्नीस डी 24 जनवरी 1950 आपका जवाब होगा उत्तर डी 24 जनवरी 1950 भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ ए 29 अगस्त 1947 बी 26 नवंबर 1949 सी 4 नवंबर 1947 डी 26 जनवरी 1950 आपका जवाब होगा उत्तर डी 26 जनवरी 1950 भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है ए स्वतंत्रता दिवस बी गणतंत्र दिवस सी गांधी जयंती डी बाल दिवस आपका जवाब होगा उत्तर बी गणतंत्र दिवस ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी का जश्न किस दिन मनाया जाता है ए गणतंत्र दिवस बी स्वतंत्रता दिवस सी गांधी जयंती डी बाल दिवस आपका जवाब होगा उत्तर बी स्वतंत्रता दिवस डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण कब दिया था ए पच्चीस जनवरी 1950, बी छब्बीस नवंबर उन्नीस सी छब्बीस जनवरी 1950, डी छब्बीस नवंबर 1950 आपका जवाब होगा उत्तर बी 26 नवंबर उन्नीस 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था ए समानता बी असमानता सी एक आदमी एक वोट डी आर्थिक संरचना आपका जवाब होगा उत्तर सी एक आदमी एक वोट भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहां आयोजित किया जाता है एक मुंबई बी नई दिल्ली सी कोलकाता दी चेन्नई आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए धन्यवाद